पांडे के साथ आप बने हुए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइज। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे पर हम बात करेंगे, और ये मुद्दा ये है कि कई बार आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो। आप जब नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो एक लिंक ओपन हो जाती है, कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ आपको दिखती है, आपको इंटरेस्ट आता है, आप और अंदर चले जाते हैं। वहां से रिक्वेस्ट आती है कि आप वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल करने के बाद में आपका आधे सेकेंड का या एक मिनट का आपका वीडियो बन जाता है, नेकेड वीडियो, नंगा वीडियो, और अब आपको मेन जो असली खेल है वो शुरू हो जाता है। खेल क्या है मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया था तो भी अभी कर लीजिए, टाइम है आपके पास में। चलिए बात करते हैं कि अब अगला खेल क्या। अगला खेल बहुत आसान है। जो आपका वीडियो जिसने रिकॉर्ड किया है, एक मिनट का, आधे मिनट का, क्योंकि पहले तो आपको उसने प्रोवोक किया, उकसाया, और जब उनके बहकावे में आप आ गए, आपने कपड़े उतार दिए, कपड़े उतारने के बाद आपके आधे मिनट के वीडियो बन गए, आधे मिनट का वीडियो जो बना उसे अब वो धमकी देंगे कि अगर आपने हमको इतने पैसे नहीं दिए, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 50000 रुपये नहीं दिए, तो हम इस वीडियो को YouTube में अपलोड कर देंगे। आप डरते नहीं हैं? इमिडिएटली एक YouTube का एक लिंक आपको आ जाता है जहां पे आधा अधूरा वीडियो प्राइवेटेड आपको भेज दिया जाता है। आप डर जाते हैं, आप पैसे दे देते हैं, और वो बोलते पैसे देने के बाद हम डिलीट कर देंगे। जैसे आपने पैसे दिया, फिर से बोलते नहीं हमें और पैसे चाहिए, और पैसे आप देते हैं, नहीं हमें और पैसे चाहिए। लगातार इस तरीके की ब्लैकमेलिंग बढ़ते जाती है। शुरुआत 500-1000 रुपये से होती है, पैसे दोगुने हो जाते हैं, पैसे 10 गुने हो जाते हैं, आप देते जाते हैं, वो वीडियो डिलीट नहीं होते। क्या ये कौन कर रहा है? ये फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं, जो बदमाशी करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। आपको चिंता करने, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चाहे फेसबुक, उनकी जो कॉन्टेंट पॉलिसी होती है उसके हिसाब से, या यूट्यूब, उनकी जो पब्लिक पॉलिसी होती है, कंटेंट क्रिएटर्स की पॉलिसी होती है उसके हिसाब से, यूट्यूब की जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से, या इंस्टाग्राम, या कोई भी प्लेटफॉर्म, वायरल कहाँ करेंगे? यहीं तो करेंगे, या आपके परिवार वालों को भेज देंगे, लेकिन परिवार वालों का नंबर या डिटेल्स तो उनके पास में है नहीं। तो आपको चिंता या परेशानी की कोई बात नहीं, आप उनके बहकावे, उनके झांसे में ना आए। ये छोटा मोटा गिरोह नहीं है, बहुत बड़ा गिरोह है, जिस पर भारत सरकार और राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, और शायद उनकी जानकारी में भी यह है, हमारा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पे मैंने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद कई कॉल्स आते रहते हैं मुझे, कई लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं। कमेंट बॉक्स आप देखेंगे, उसके पहले जो वीडियोस थे, हजारों व्यूअर्स ने मुझे सवाल पूछे कि सर मेरे साथ में भी ऐसा हो रहा, मैं क्या करूं। मैं आप सभी को बस यही कहना चाहता हूं, नंबर को ट्रू कॉलर में ब्लॉक कर दें, और ब्लॉक जिस भी अच्छे सुरक्षित नाम, सभ्य नाम से आप समझें वो कर दें, समझदार हैं आप, किस नाम से करना है। दूसरी बात, ब्लॉक करने के बाद में 3-4 अलग अलग नंबर से भी वो कॉल करेंगे, आपको डरने, आपको चिंता करने, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो आपसे पैसे मांगेंगे, आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे, ना वो फेसबुक में, ना यूट्यूब में, ना किधर पे भी वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अवैध काम उन्होंने किया है, आपने नहीं किया। तो आपको डरने की, चिंता करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब वो आपको लगातार थ्रेट कर रहे हैं अलग अलग नंबर से, अलग अलग नंबर से, सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। 4-5 दिन का आपको समय लगेगा, या कि सिम कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दें। उससे क्या होगा कि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, थोड़े टाइम के बाद वो आपको छोड़ किसी और को शिकार बना लेते, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो ये सब करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये प्रोवोक करते हैं पहले, और जब प्रोवोकेशन में आकर के आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो उस समय आपसे ठगी कर लेते हैं। ये ठगी का पूरा एक सिस्टम है, जालसाजी एक तरीके से। तो किसी को भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, नंबर ब्लॉक कर दीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद अगर मामला बहुत सीरियस हो गया है तो आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी है इनके खिलाफ, और FIR साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी आप दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल, बहुत आसान है कि अगर आपका कोई अश्लील वीडियो बन गया है, नेकेड वीडियो बन गया है, तो क्या करेंगे, कहाँ वायरल करेंगे? एक तो कोई देखता नहीं इस तरीके के वीडियो, तो इस वजह से आप चिंता ना करें, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, किधर पे भी आपके वीडियोज़ नहीं जाएंगे, आपके परिवार वालों तक ये वीडियोज़ नहीं जाएंगे। वो केवल सिंपली आपको ब्लैकमेल, आपका डर का फायदा उठा करके आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसे निकालना चाहते हैं। बट अगर आप उनके डर, उनके झांसे पे नहीं आए, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आपको उनका नंबर ब्लॉक करना है, परेशानी छोटी है, भूल जाइए। 4-5 दिन के बाद कॉल आने बंद हो जाएंगे, अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, अगर मामला सीरियस है तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इनकी FIR जरूर दर्ज कराएं, और इसके साथ ही
आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी इनकी शिकायत कर सकते हैं। जनहित का मामला है, इस वजह से हमारी फर्म ने, एमिनेंट लॉ फर्म ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और हम उच्च न्यायालय के सामने, हाई कोर्ट के सामने जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी मुद्दे पर लगा रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन इशू हो और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस तरीके के फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, अपॉइंटमेंट बुक करके ही बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।